श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सनि प्रभु भक्त वृंद कवि श्री चैतन्य मोरे करि नयन धारा कावयामि पाहि गो वैष्णव पद सारा कवे आमि छाड़ि होरे निशाया विमाना कवे विष्णु जने आमि करि गो समाना बल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकाते दंते तृण धरि धरा इहो निशमाते कंदिया कंदिया जाना इहो दुख गामा संसार नर नहिते मागिबो विश्रामा सुनिया मर दुख वैष्णव कठोरा लागि कृष्ण आवे दिवे न वैष्णवे आवे दाने कृष्ण दया माया एहे न पमर गति कवे न सदाया निवेदन वैष्णव चराने त्रिवागरि संगे Thank you.
जनसार दयना विद विपद पार नमस्य करी जतन तुमि तंगापन काजे कृष्ण सुता करिया पान जुड़ाओ बकजी विनोद प्राण किशुनिकार चौदह भुवन माजे जीवेर कल्याण साधन धाम जगत आशीष मधुर धाम अविद्या मीरा तपन रूप चंद्राय राधिकायस्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिया द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री 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 मद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में
श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है? हम लोग जो हरि नाम लेते हैं, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम लोग जी हरि नाम ग्रहण करते हैं, ये हरि नाम है क्या चीज? ये हरि नाम क्या है? जब किसने प्रश्न किया तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो हरि नाम है अचेतन पदार्थ न है किंबा कल्पित वस्तु न है। यदि जो हरि का जो नाम लेते हैं ये कोई अचेतन वस्तु नहीं है। अचेतन मतलब क्या है? जिसका कोई चेतनता नहीं है। इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। जल डूबत गजराज पुकारो आए आधे नाम। उसमें कहते ना नामी को चिंता रहती है नाम ना हो बदनाम। जैसे अगर हमारे नाम को अगर कोई बाहर खड़े होकर पुकारे अमुक व्यक्ति आ जाओ अमुक व्यक्ति आ जाओ, हम क्या आ जाएंगे? हाँ बताओ, हम क्या आ जाएंगे? नहीं आएंगे। कारण क्या? हम और हमारे नाम में फर्क है, हम और हमारे नाम में फर्क है। इसलिए हमारे नाम अगर कोई बाहर पुकारे हम नहीं आ सकते, क्यों? हमारे नाम अचेतन है। लेकिन जो भगवान का नाम, कहीं भी ठाकुर का नाम लेकर पुकारो, भगवान वहीं पर झट वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते जो भगवान का जो नाम है ये अचेतन पदार्थ मत समझो, ये साक्षात भगवान से बढ़कर के भगवान की नाम है। एक दिन नारद जी ब्रह्मा जी को पास में पहुँचे। ब्रह्मा जी कौन है? नारद जी के पिता है। ब्रह्मा जी को पास में पहुँचे, बोले प्रभु जी, कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है और भगवान और उनका भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं, कहते है ना, हमें कोई डायरेक्ट कोई प्रमाण दिखा सकते हो क्या? हमें कोई डायरेक्ट कोई प्रमाण दे सकते हो? तो ब्रह्मा जी बोले देखो मेरे चार ही मुँह हैं, मैं चार मुँह में कितने भगवान की हैं कितने नाम की महिमा बताऊंगा, मैं इतना महिमा नहीं बता सकता। बोले कौन बता सकता है? बोले श्री शंकर जी को पास में जाओ, क्यों? शंकर जी के पांच मुँह हैं। इसलिए पंचमुख है राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुह में भगवान का नाम लेते हैं तो उनको पास में जाओ, वो नाम की महिमा बताएं, क्योंकि हर समय भगवान की नाम ही जप करते हैं। तो उनने शंकर जी को पास में गए, शंकर जी को बोले प्रभु जी आप बताओ भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं। बोले मैं अनादिकाल से भगवान का नाम तो जप कर रहा हूँ लेकिन अभी तक नाम की महिमा को कोई पता नहीं पाया। बोले फिर कौन बता सकते? बोले मेरे गुरु के पास में जाओ, मेरे गुरु जी बताएंगे। कहते शंकर जी के गुरु कौन है? अनंत देव, अनंत देव है। कहते अनंत देव के पास में जाओ, ये अनंत देव इसकी महिमा बताएंगे। तब उन्होंने अनंत देव के पास में गए, अनंत देव के पास में पूछे तो अनंत देव ने कहा देखो भगवान की अनंत नाम की महिमा, अनंत काल से अनंत मुंह से तुम ब्रह्म का नाम की महिमा गा रहा हूँ लेकिन अभी तक भी भगवान के नाम की महिमा की कोई था नहीं पाया है। बोले भैया फिर कौन बता सकता है? बोले एक काम करो, तुम जाओ श्री धर्मराजा को पास में। धर्मराजा कौन है? बोलो धर्मराजा कौन है? यम महाराज। बोले यम महाराज बताएंगे। बोले यम महाराज बताएंगे? बोले हाँ, क्योंकि उनको धर्मराज क्यों कहते हैं? कारण है हम जो कर्म करते हैं ना वो ठीक कर्म के अनुरूप हम फल प्रदान करते, थोड़ी सी इधर उधर भी नहीं होता। जैसे जैसे कर्म कर ठाकुर धर्मराज हमें ठीक है वैसे ही फल प्रदान करते, इसलिए उनको कहते धर्मराज। और ये धर्मराज बताएंगे हैं। धर्मराजा के पास में गए, धर्मराजा बोले देखो एक काम करो, ये वहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएं हैं, तुम दक्षिण दिशा में चले जाओ। बोले दक्षिण दिशा क्या है? बोले जहाँ पर पापियों को पाप की सजा दी जाती है, पाप को पापी को सजा दी जाती है, उसको कहते दक्षिण दिशा। माला माला माला
रख दो अभी, जो गुरुदेव हरि नाम करते ना कथा करते ना माला नहीं करनी चाहिए, दूसरे समय पर करना, इसलिए कथा सुनना ही हरि भजन करना है। इसलिए बोले कहाँ जाओ, बोले दक्षिण दिशा में चले जाओ, क्योंकि जो दक्षिण दिशा में जी वो नरक है, वहाँ चौरासे नरक है, जीव अपना कर्म के अनुरूप वहाँ पर फलों को भोग कर रहा है, तुम उधर चले जाओ। जब उधर गए ना, ऐसे जीव को सजा दी जा रही थी, जो शराब पीते हैं, हाँ लोहे को गला करके उसको मुंह में डाल रहे हैं, जो आँख में गंदी गंदी चीज देखते थे उनका आँख निकाल दी जा रही थी, हैं जो व्यक्ति झूठ बोलते थे जीवा काट दे रहे थे, जो हाथ में जो हेर फेर करते थे हैं उसको हाथ काट देते थे, जो मांस खाते थे उनको जिंदा जिंदा कर रहे थे, उसको काट रहे थे। इसको देख करके तो नारद जी डर गए, हैं नारद जी डर करके हाथ उठा करके बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रणिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। वहाँ पर जब डर गए, बोले जीव इतना दुख कष्ट पा रहे, जब नारद जी परम वैष्णव संत हैं, जब उनको नाम भगवान के नाम उच्चारण हुआ ना, वो जितने नरक में सबके सब जितने पापी लोग थे, वो पापी लोग तो भगवान का नाम को सुनते ही, भगवान नाम अभिन्न है, लेकिन वो भगवान का नाम को सुनते ही जितने नरक में जो पापी थे ना, सब भगवान का धाम में चले गए, सब ठाकुर के पास में चले गए। इसको देख करके तो आश्चर्य में पड़ गए। इतने में धर्मराज कह रहे हैं, बोले नारद जी पता चला भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं। बोले कैसे, बोले देखा है ना तुम्हारी मुंह से जब भगवान का नाम सुने, क्योंकि भगवान उनको नाम से कोई फर्क नहीं, जब उन्होंने नाम सुने सबके सब पापी कहाँ चले गए, सब भगवान धाम में चले गए। पता चला कि नहीं भगवान और भगवान नाम में कोई भेद नहीं, वो एक ही है, हैं। इसलिए यहाँ पर कहते जो भगवान हरि का जो नाम है ना, वो अचेतन पदार्थ नहीं है, वो चेतनता है, साक्षात भगवान है, अचेतन नहीं कि बात कल्पित वस्तु नहीं। मतलब कोई कोई बोलेगा ना, अरे सब साधु लोग ऐसा अपना मनमानी सब हरे कृष्ण कर रहे हैं, ऐ सब अपना मनमानी। बोले नहीं, ये कोई कल्पित वस्तु नहीं है, ये शंकर जी पार्वती को कहते हैं। बोले पार्वती इति षोडश क नामनम कलि कलमस नाशनम नात परत उपाय सर्व विदेशु दृश्यते। शंकर जी कहते पार्वती ये जो हरि का नाम जो 16 नाम 32 अक्षर है, ये क्या है, ये 16 नाम 32 अक्षर द्वारा ही जीव का कल्याण होगा, नात परत उपाय, इससे और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए ऐसे नहीं कोई मनमानी कल्पित भगवान का नाम कोई बना दिया है, हैं बना दिया नहीं, साक्षात भगवान। ये जो कृष्ण नाम है, कथा सुन रहे थे ना, जब पुतना आ गई, मैया जसोदा क्या कर रही थी, कृष्ण को तिलक लगा रही थी, जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं ना, माँ जसोदा कृष्ण को तिलक लगा रही थी, मेरे ललाट को केशवदेव रखा करे, उदर को नारायण रखा करे, बख्यास्थल को माधव रखा करे, कंठ को गोविंद रखा करे, माँ जसोदा कृष्ण को तिलक लगा रही थी, हाँ तिलक लगा रही थी। कृष्ण देख रहे थे, देखो मेरे नाम की कितने शक्ति है, हैं नाम की कितने शक्ति, मेरे नाम मेरे को रखा कर रहा है, मेरे नाम माँ जसोदा मेरे नाम को लेकर के मेरे को रक्षा कवच पढ़ाती हैं, मेरे को मेरे नाम रक्षा कर रहे हैं, मेरे नाम। कृष्ण बड़े खुश हो रहे थे, हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ वाट इज द कथा इफ पॉसिबल कैन सेंट दिस रसिया दिस ऑल कथा। इसलिए यहाँ पर कहते किंबा कल्पित वस्तु ना है, भगवान का नाम कोई कल्पना करके इसे नहीं नाम लिख दिया है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, महाप्रभु भी स्वयं जो वृंदावन में जो इमली दिला है ना, वो इमली वृक्ष के नीचे महाप्रभु बैठ करके, महाप्रभु वहीं पर बैठ बैठ कर 6-6 घंटा ये हरि का नाम को जप करते थे। कहते हरि नाम सबसे पहले किसकी मुंह से निकली, भले स्वयं राधा रानी का मुंह से, कृष्ण विरह में राधा रानी का मुंह से ये भगवान का नाम राधा रानी के मुंह से निकली हुई हरि नाम।
इसलिए दृश्य पदार्थ विशेष नान, दृश्य जगत रे कोन वस्तु नान। कहते हैं जो भगवान का जो नाम है क्या है, दृश्य पदार्थ विशेष नान। ऐसे नहीं हम जड़, कोई कोई कहते ना अरे दिखाओ तो हमें, दिखाए बगैर हम कैसे मान लेंगे, कोई कहते ना हम बिना देखे हम कैसे मान लेंगे, कोई चीज को बोल दो कैसे हम मान लेंगे हैं। कहते भैया जो भगवान का नाम है ना तो मत समझो आंखों से देख करके भगवान का नाम को पहचान जाओगे, इन्हें आंखों से भगवान का नाम की महिमा को तुम देख नहीं सकते हो हैं, ये देख नहीं सकते हो। इसको देखने के लिए ब्रह्मा जी कहते देख सकते हो कैसे, बोले प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन न संत सदैव हृदय सुविलोकयंती। जब आंखों में प्रेम रूपी हम अंजन लगाएंगे तभी ये चीज को हम देख सकते हैं, हैं? जगत में देखे बगैर हम कैसे मान लेंगे, कोई चीज देखेंगे नहीं। जगत में बहुत सारी चीज भी नहीं देख कर मानते, मानते कि नहीं। हवा हमें दिखती है, हवा हमें दिखती है कि नहीं, तो मानते कि नहीं। कहते ना भैया आज ठंडी ठंडी हवा बह रही है, क्या हवा तुमको दिख रहा है, दिख रहा है, पर मानते क्यों? फिर हम कहते ना तेरा मन तो बड़ा साफ है, कहते ना बोलते तेरा मन तो बड़ा साफ है, क्या मन दिखता है हमें? तो हम कैसे कहते मन साफ तुम्हारी व्यवहार को हैं? कहते ना भैया ये बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बोलते ना ये बच्चा बड़े इंटेलिजेंट है, बोले दिखाओ कैसे, उसको मगज निकालो, निकाल दिखाओ दिखाओ हैं। हम कहते ना भैया इसका बुद्धि तो बड़ा तेज बुद्धि है, बोलते ना इसका बुद्धि बड़ा तेज है, क्या बुद्धि तुमका दिख रहे हैं, पर तुम मानते हैं कैसे? हम कहते हैं बच्चा तो बड़ा अहंकारी है, अहंकार क्या दिख रहा है, तो उसको कैसे मान रहे हैं? इसलिए जगत में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस चीज को बिना देखे भी हम मानते हैं, लेकिन भगवान का जो नाम है, भगवान का जो नाम है, कोई सोचेगा हम जड़ आंखों से भगवान के नाम की देखना चाहिए, भैया इन्हीं आंखों से नहीं दिखेगा, देखेगा जब हम प्रेम रूपी अंजन लगाएंगे तभी हम ये नाम की महिमा तभी दिख सकती है। इसलिए दृश्य पदार्थ न, दृश्य जगत रे कोनो वस्तु न, हम जो चीज को देख करके इस संसार को जो देख रहे हैं, कहते भैया भगवान का नाम इसी जगत का भी कोई वस्तु नहीं, ये अपराकृत है, ये अपराकृत दिव्य है। अपराकृत मतलब क्या, इसको कहते अध्यक्ष सज, हाँ अध्यक्ष सज, भगवान को बताए प्रभुपाद बोले अध्यक्ष सज, बोले अध्यक्ष सज मतलब क्या, बोले अध, अध मतलब होता है नीचे, अक्षज, अक्षज मतलब हमारा जो जड़ ज्ञान, हमारा जड़ नेत्र है, इसको अतिक्रम करते हुए जो विद्यमान है, इसलिए इसको कहते अध्यक्ष सज वस्तु, भगवान का नाम अध्यक्ष सज वस्तु। हरिनाम भगवत अवतार साक्षात भगवान, कहते ये जो भगवान का नाम है ये क्या है, ये अवतार है नाम रूप में, इसलिए भगवान बोलते हैं ना, कहते कल बोले कलयुग नाम रूप में कृष्ण अवतार, भगवान युग युग में अवतीर्ण होते हैं। ठाकुर जी युग युग में अवतीर्ण, क्या रसोई बना रहे हो, सबका मन अभी रसोई में जाएगा, हाँ भले दाई भले बना, इसलिए कहते जो भगवान है, भगवान का जो नाम है, कलयुग में भगवान जीव को पर में कृपा करने के लिए किस रूप में अवतार हुए हैं, नाम रूप, कलयुग में नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है तो है सर्व जगत निस्तार। चैतन्य भागवत में बताए भगवान जीव को पर कल्याण करने के लिए ठाकुर जी नाम रूप में ठाकुर जी अवतीर्ण हुए हैं, और नाम को द्वारा ही जगत का कल्याण होगा, ये नाम ही कलयुग में अवतार है, साक्षात अवतार भगवान। इसलिए जहां पर भगवान का नाम लो ना ठाकुर जी, वहीं पर साक्षात रूप में वहीं प्रकट हो जाएंगे, हैं वहीं पर प्रकट हो जाएंगे ठाकुर जी। इसलिए नाम ही हरि, नाम ही हरि ही नाम, कहते नाम ही हरि, कहते जो भगवान का जो नाम है, कहते ये साक्षात हरि है, और जो हरि ही कहती है भगवान का नाम, कहते नाम ही ये हरि और हरि ही नाम, तभी कौन खर्चो तो पता। इसलिए कहते जो नाम ही हरि और हरि ही ये नाम है,
आजा बैठ, आगे आ जा। ओ हाँ हाँ, तुम अभी जा। इसलिए कहते जो हरि ही नाम और नाम ही हरि है, इसलिए भगवान से और भगवान का नाम से कोई फर्क नहीं, बल्कि श्री प्रभुपाद कहते हैं भगवान भगवान नाम से कोई फर्क नहीं, वो तो एक ही है, लेकिन होने पर भी प्रभुपाद कहते हैं, होने पर भी कहते नामी से जो नाम है वो अत्यंत दयालु है, भगवान से उनका नाम दयालु। क्यों बताओ, भगवान कृष्ण किसको पर कृपा किया, भगवान राम किसको पर कृपा नहीं किया है। भगवान अपना धाम परिकर को लेकर के आए, धाम परिकर को लेकर के आए, उनको साथ में लीला करके ही ठाकुर चले गए। ठाकुर को दूसरे के ऊपर कल्याण नहीं किया, राधा रानी के ऊपर कल्याण थोड़ी किए, ललिता विशा को तो भगवान के नित्य परिकर है। दाम वसुधाम श्रीधाम मधुमंगल जितने गैया बछड़ा है ना, यदि कोई साधारण नहीं तो वेद का मंत्र सब सब रूप धारण करते हुए आए हैं। इसलिए ये सबके सब अपना धाम से आए, अपना भक्तों को साथ लीला की और भक्त लीला करके ठाकुर जी चले गए ठाकुर जी, इसलिए किसको पर कृपा नहीं की। लेकिन अभी हमारे ऊपर जो कृपा करने वाले कौन है, कहते उनका नाम, उनका नाम, जो व्यक्ति उनका नाम को ग्रहण करते हैं बस। बोले भगवान कहते राम कृष्ण एक बार ही प्रकट हुए, लेकिन हमारे जीवा में जब जब कृष्ण और राम का नाम आता है, भगवान जीवा में एक जीवा ही उनकी माँ बनी जाती है, जीवा ही। एक बार तो ठाकुर आए जीव का कल्याण करके गए, लेकिन जब जब ये जीवा भगवान का नाम लेता है, ये जीवा ही भगवान को प्रकट कर देता है, ये जीवा से भगवान का नाम निकलती है, हैं? ये जीवा ही भगवान के नाम हो जाती है। इसलिए यहाँ कहते नाम ही हरि और हरि ही नाम। कहते नाम अप्राकृत वस्तु परिपूर्ण वस्तु, कहते जो भगवान का जो नाम है क्या है, कहते ये अप्राकृत दिव्य वस्तु है और ये परिपूर्ण भगवान का नाम है। इसलिए कोई सोचेगा नहीं भगवान का, भगवान में ज्यादा शक्ति था, नाम में ज्यादा शक्ति नहीं। कोई अगर बोलेगा ना नहीं भगवान में ही ज्यादा शक्ति था, उनका नाम में क्या रखा हुआ है, बोले नहीं गुरु जी कथा सुनाते ना, जिस समय पुल बंद रही थी उस समय बंदर लोग ला रहे थे क्या पत्थर ला रहे थे, हनुमान जी नाम लिख रहे थे हैं, और समुद्र में छोड़ रहे तो तैर रहा था, बोले पत्थर तो तैर रहा था लेकिन उसमें अलग अलग हो जाएगा ना, सीमेंट का काम क्या कौन कैसे होगा, तब एक पत्थर के ऊपर में लिखते थे रा और दूसरे पत्थर के ऊपर लिखते थे माँ, रा और माँ लिखते ना वो सीमेंट का काम कर रहा था, वो जुड़ रहा था। भगवान राम बैठ बैठ कर देख रहे थे, बड़े आश्चर्य की वस्तु है, बड़े आश्चर्य वस्तु है, मेरे नाम को इसको पर लिख रहे हैं और ये पत्थर तैर रहा है। भगवान ने सोचा मैं भी एक आध पत्थर उठाकर फेंकता हूँ, दिखता डूबता ना तैरता है, बोले अगर सबको सामने फेंके अगर डूब जाएगा फिर नाकन कट जाएगी। बोले कि झाड़ी में गए छुप करके, जब एक पत्थर उठा करके फेंके देखा डूब गया, और एक पत्थर उठाकर फेंके डूब गया, और एक उठाकर फेंके डूब गया, बोले ये क्या हो रहा है, मैं स्वयं राम हूँ ये पत्थर डूब क्यों रहा है। इतने में हनुमान जी बोले प्रभु जी कहाँ गए, प्रभु जी कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते देखा प्रभु जी झाड़ी में, जैसे बच्चा होता है ना देखे ना पत्थर फेंकते ना पानी में, देखे कि नहीं, खुद फेंके कि नहीं तुम लोग, हमारे गाँव में तालाब है ही नहीं घास फेंके, इसलिए हम लोग बचपन में हम सब गाँव में रहे, हम लोग बचपन में सब गाँव में रहे, हम लोग भी बचपन में ऐसे पत्थर उठा उठा कर पानी में, हाँ हमारे गांव गांव में सब पोखर थी, हाँ अभी तो हम बंगाल में गए थे ना, हर घर में एक तालाब है, हर घर में तालाब है, हाँ जरूर सबके घर में तालाब रहेगा उसमें। इसलिए इतने में हनुमान जी प्रकट हो गए, राम तो सोच रहे थे कोई देख नहीं रहा था, लेकिन सोच रहे थे हनुमान जी प्रकट हो, बोले प्रभु ये बच्चे जैसे पत्थर क्यों उठा रहे, बोले तू कहाँ से आ गया, बोले प्रभु आपको छोड़कर मैं तो रह नहीं सकता, बोले हनुमान मेरे मन में शंका आ गई, बोले आपकी मन में शंका, भगवान हो बताओ, बोले तुम लोग मेरे नाम को लिख करके पत्थर को छोड़ते हो वो तैरता है, मैं स्वयं राम हूँ, बोले कि जब पत्थर को मैं फेंकता हूँ डूबता है क्यों,
प्रभु जी सीधी सी बात है, बोले ये क्यों तैरता है, चूंकि उसको ऊपर आपका नाम लिखा हुआ, आपका नाम को जो सहारा लगा वो तो जरूर तैरेगा, लेकिन ये आप फेंकने पर डूबता क्यों, बोले दुनिया का मालिक तो आप हो, अगर आप किसी बच्चे को उठाओ और फेंको, फेंकना मतलब क्या, उसको छोड़ देना, उसको त्याग दे देना। आप बताओ दुनिया में ऐसे कौन सा व्यक्ति होगा जिसको आप त्याग दोगे तैर सकता है, जिसको त्यागोगे तैर सकता हो तो डूबेगा इसे संसार में तो डूब जाएगा। लो यही बात, बोला यही बात है। हाँ, इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते भगवान का नाम जो है ना वो परिपूर्ण वस्तु, तिनि सर्वशक्तिमान, भगवान स्वयं, भगवान का जो नाम है सारे शक्ति, भगवान की नाम में भगवान रख करके सारे शक्ति गए हैं, सारे शक्ति सर्वशक्तिमान, और भगवान का जो नाम है ये साक्षात भगवान ही भगवान का नाम है। बोले अप्राकृत नाम ही स्वयं वस्तु नामी, जो भगवान का जो अप्राकृत जो दिव्य नाम है, कहते वो स्वयं वस्तु नामी, वो कृष्ण स्वयं है। बोले श्री नाम स्वत्व प्रकाश वस्तु का, देखो ये जो नाम है ना, कोई जोर जबरदस्ती अपना हृदय में भगवान का नाम को कोई प्रकट नहीं कर सकता है, भगवान का नाम कृपा करके स्वयं, ये प्रभु का नाम स्वयं हृदय में प्रकाशित तो होते हैं। श्री नाम, कहते श्री नाम क्या टेक इन्विटेशन, अप्राकृत नाम ही स्वयं नामी, अप्राकृत नाम ही रूपी, अप्राकृत नाम ही गुण, अप्राकृत नाम ही परिकरवान, अप्राकृत नाम ही लीलामय। कहते जो भगवान का जो दिव्य नाम है, जैसे हम लोग अभी हरि नाम करते हैं, अभी हमारे हरि नाम शुद्ध नहीं है, हम लोग जो अभी हरि नाम करते हैं ना, ये सो अपराध युक्त हरि नाम है, इसलिए ये नाम का फल हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जीवा जड़ है। कहते ये जड़ जीवा में ना, ये भगवान का जो अपराकृत नाम ये जड़ जीवा से प्रकाशित नहीं होता है, इसलिए ये जड़ जीवा से भगवान का नाम निकल नहीं सकता है, इसलिए अभी जो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अभी हमारा अपराध है, सेवा अपराध है, नाम अपराध, धाम अपराध, ये सब अपराध है, इसलिए अपराध होने का नाते हमारी मुंह में अभी जो हम नाम कर रहे हैं, कहते नामाख्यर बाहिराय बटे नाम को अपना, देखने के लिए तो लगता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देखने के लिए तो नाम उच्चारण हो रहा है, लेकिन हमारा जो नाम है अभी ये नामापराध युक्त नाम है। इसलिए कहते जद्दी करीबे शुद्ध नाम साधु संग करो, कहते अगर शुद्ध हरि नाम करने के लिए क्या करो, साधु संग करो, फिर क्या भुक्ति मुक्ति सिद्धि बांसा दूरे परिहर। शुद्ध नाम कब होगा, बोले भुक्ति, भुक्ति मतलब भोग की इच्छा, मुक्ति मतलब मुक्ति की पाने की इच्छा है, और सिद्धि मतलब अरे हमें सिद्धि रिद्धि मिल जाए है, कोई अपराकृत वस्तु कोई दिव्य वस्तु मिल जाए। कहते ये जितने सब कामना वासना है ना हृदय से छोड़ना पड़ेगा, छोड़ करके हरि नाम इसलिए कर रहे हैं, केवल ठाकुर का प्रीति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि नाम को द्वारा भगवान जो नाम हम कर रहे हैं है, हम देखता है कभी कभी कोई माला जप करते हैं ना, जब माला जप करते करते जैसे हम ऐसे ऐसे गड़ाते हैं, कोई कभी तो ऐसे ऐसे करते ऐसे ऐसे, मैंने कहा ऐसे ऐसे, बोले भगवान नाम है ना, भगवान कृष्ण नाम भगवान है ना, हम सेवा कर रहे हैं माला को, हम सेवा कर रहे हैं माला, क्यों माला कृष्ण है, राधा रानी है, कृष्ण ही है, इसलिए माला को जैसे एक हम सटका देते ना, सटका तो नहीं उसको ऐसे ऐसे करते, मन मन ठाकुर की चरण की हम सेवा कर रहे हैं, ठाकुर की चरण की हम सेवा कर रहे हैं, ठाकुर के चरण की। इसलिए यहाँ पर कहते जब जीवा पर जब सारे अपराध दूर हो जाएगा हैं, अभी समस्त अनर्थ दूर हो जाएगा, हमारी अपराध दूर होना फिर अनर्थ दूर होनी चाहिए हैं, चार तरह का अनर्थ है, असत तृष्णा हृदय द्रबल अपराध और तत्व ब्रह्म, कहते ये चार अनर्थ है और दस तरह का अपराध है, नामापराध है, धामापराध है, सेवा अपराध है, जब ये सारे अपराध दूर हो जाएगा ना, फिर हमारी जीवा में फिर तो उस शब्द ब्रह्म रूप में, फिर भगवान स्वयं शब्द ब्रह्म रूप में जीवा में उदय होंगे। कहते उदय होने पर क्या होगा, अपराकृत नाम ही स्वयं नामी,
कि जब ऐसे जब नाम उच्चारण होगा वो साक्षात भगवान कृष्ण है। तो अप्राकृत नाम ही रूपी जब जीवा से शुद्ध नाम निकलेगा वही साक्षात भगवान का रूप। तो अप्राकृत नाम ही गुणी जब शुद्ध नाम निकल के वही भगवान की गुण और वही भगवान की परिकर है और वही भगवान का लीला है, वही भगवान का लीला। इसलिए एकादश स्कंध में बताया एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुतचित उच्चही हसत्यत रोदतिरौति। इसलिए एकादश स्कंध में बताए जब हरि नाम करेंगे धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जब जीवन में हरि नाम को ही जीवन का व्रत मान लेंगे। इसलिए हमारी भक्तिविनोद ठाकुर बोले जो 10 तरह का अपराध कहते 9 तरह का अपराध को तो आप तो छोड़ सकते हो, किसी वैष्णव का निंदा मत करो, गुरु जी की अवज्ञा मत करो हैं। इसलिए भगवान का नाम को साथ में कोई पुण्य कर्म को बराबर मत मानो, भगवान का नाम को कल्पित मत समझो। अरे शास्त्र में बड़ा चढ़ा कर बता दिया नाम की महिमा, दूसरे देवादेवी की निंदा मत करो, भगवान विष्णु को साथ में शंकर ब्रह्मा जी को बराबर, कहते ये सब चीज़ें हम छोड़ सकते हैं लेकिन एक अपराध छोड़ना बड़ा कठिन है। कहते वो क्या है, बोले शरीर का प्रति हमारी जो आध्यास बुद्धि है ये शरीर में और ये शरीर शारीरिक की वस्तु तो मेरा है। कहते भैया ये चीज को छोड़ना कठिन है, ये चीज बहुत कठिन है। बताओ मैं कैसे भूल जाएंगे शरीर में चिट्ठी काट दिया तो भाग कष्ट होता है। इसलिए कहते कैसे छोड़ दे भैया, इस शरीर हम मैं है ही नहीं, आज शारीरिक की वस्तु मेरा, इसलिए तो जितना लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है, इसको कैसे छोड़ दे। कहते इसको छोड़ा कठिन है, बोले फिर छुटेगा कैसे। कहते छुटेगा नहीं, बोले हाँ एक उपाय है। कहते कोई अहरह अगर हरि नाम करे, अहरह मतलब निरंतर जब मेरे रूप में अगर कोई हरि नाम करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई व्यक्ति हर समय भगवान की नाम को जप करे, हर समय भगवान के नाम को जप करे, हर समय तुम्हारा समय है ही नहीं, दूसरे टाइम ही नहीं, इधर उधर चीज को याद करने का तुम्हारा टाइम ही नहीं मिलेगा, हैं टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा, फिर तुम्हारी शुद्ध नाम तभी हो सकती है। 24 घंटा अगर कोई हरि नाम, इसलिए एवं व्रत, जिसने जीवन का व्रत रख दिया, भगवान का नाम ही व्रत है। धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो नाम में रुचि नहीं होगी, करते 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 नाम में रुचि होगी, करते करते क्या होगा, धीरे धीरे जब रुचि होगी, हृदय भगवान का नाम लेते ही, जब भी प्रभु का नाम लो अभी हमको नींद आती है, हरि का नाम लो मन इधर उधर भगता है, हरि का नाम लो इच्छा नहीं करता है हरि नाम करने के लिए, लेकिन उसी समय क्या होगा, हृदय तुम्हारी द्रवीभूत हो जाएगी, हृदय तुम्हारी द्रवीभूत हो जाएगी। जब हृदय द्रवीभूत होगा ना, फिर कृष्ण जैसे टीवी में सीरियल में कृष्ण लीला उतरता है ना, फिर देखोगे हृदय में भगवान की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मीठी मीठी ठाकुर की लीला उतरने लग जाएगा। कृष्ण कैसे मखन चोरी करते हैं घर घर में, कैसे ब्रज गोपियों के पास में जाते हैं, कैसे कृष्ण लीला करते, सब लीला हृदय में। यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान की जो अपराकृत नाम ही ये लीलामय, अपराकृत नाम ही रूप, अपराकृत नाम ही गुण। इसलिए कहते हैं नाम और नामित कौन भेद नहीं, अपराकृत नाम शब्द ब्रह्म, सही नाम सही कृष्ण, इसलिए जो नाम है वही कृष्ण। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार विभू चतन हरि नाम कथा बोलते पारेन। इसलिए जो हरि का जो नाम है ये चेतन ये बात भी करते हैं, जिन्हें हरि नाम करें ने तीनों चेतन वस्तु। जब शुद्ध हरि नाम होगा क्या होगा, जो हरि नाम करते हैं उस समय में क्या होता है, सही देह करतार चिदानंदमय चिदानंद देह कृष्ण बिलाई। जब हरि नाम करते करते हमारा जो शरीर है ना एक दिन अपराकृत दिव्य हो जाएगा, और जिस शरीर में हरि नाम करते करते जैसे लोहा होता है ना, लोहे को अगर जैसे आग में दो क्या होगा, धीरे 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 लोहे भी एकदम लाल रंग हो जाता है, और लोहे जब लाल हो जाता है ना किसी में लगाओ तो वो भी जला देता है, वो भी जला देगा। ऐसे ही जो हरि नाम करते 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 ये शरीर एक दिन हमारी अपराकृत दिव्य शरीर भी हो जाएगा हमारा, और जिस शरीर में भगवान स्वयं उसमें विहार करेंगे, जैसे हरिदास ठाकुर। अब बताओ 6-6 व्यक्ति जिसको कोड़े मार रहे हैं मर नहीं रहा है, मर नहीं रहा है, हमारी
एक व्यक्ति और कोड़ा दो चार मारना हो तो राम नाम सत्य हो जाएगी, लेकिन उनको कोड़े मार रहे लेकिन कुछ नहीं हो रहे, जितने कोड़े मार रहे तो उतना जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि उसका जो शरीर अपराकृत है। प्रहलाद को बैठा दिया अग्नि में, प्रहलाद को आग में बैठा कर आग लगा दी, बोले जल कर राख हो जाएगा, लेकिन मानो एयर कंडीशन रूम में बैठा हुआ, कुछ नहीं हो रहा। काल कोठरी में बंद कर दिया, 6 महीना तो खाना नहीं दिया, अंदर से निकला तो और मोटा निकले। इसलिए ये कहते जिस समय भक्ति करते करते शरीर है ना, ये शरीर साक्षात चेतनता प्राप्त हो जाता है, चेतनता प्राप्त होता है। विभु चैतन्य जिन्हें हरिनाम करें तिन्हें चेतन बस्तनी बल चने, हे हरिनाम आमी तुम्हार दास तुम्हारा अनुगत स्वीकार कर लाम। कहते हे हरिनाम हम तो आपका ना सेवक है, हम आपकी शरण लिया है, आपकी हम शरण ग्रहण किया। जिन हरिनाम करते प्रवृत्त हन तिन्हें हरिनाम प्रभुर भृत्त, बोले जो हरिनाम करते हैं हम क्या है, हम उनकी भृत्य है, भृत्य मतलब उनकी सेवक है, उनकी हम सेवक है। साक्षात कृष्ण ही कृष्ण नाम रूपे खाने ऐसे, कृष्ण ही स्वयं इस जगत में कृष्ण रूप में इस जगत में आए। ऐ जने अमरा हरि नाम के ही सम्यक रूपे आश्रय करब आर कार काछे जाबो ना, बुझते हैं तो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हम किसका आश्रय ग्रहण करेंगे, बोले हरि का नाम को हम आश्रय करेंगे और किसको पास में हम नहीं जाएंगे। जितना सुख दुख हो तो क्या करेंगे, हर समय हरि का नाम को ही हम आश्रय करेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज भले ही जो कुछ कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर भले ही उसको पर जो कुछ कर रहे हैं, वो ठाकुर के ऊपर सबके सब संबोध्य, ठाकुर जी आपको पर संबोध्य, मतलब भगवान के नाम को ले रहे थे, हरि की नाम को ही जप कर रहे थे। इसलिए क्या करना हमें, हम भी कलयुग में हर समय उठते सोते बैठते चलते फिरते क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री हरि नाम प्रभु की, बोले हरि नाम संकीर्तन की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे। हाँ बोले हरि नाम तो आ अनिका स्वरूप अनिका स्वरूप राधा माधव जय कुंज जय कुंज जय गोपी जन बल Thank you.